आज हम लोग आए हैं अपने गांव और ये है हमारा घर, गांव वाला एकदम देसी माहौल में। ये है हमारा गांव वाला घर, इसमें कॉटेज टाइप में बना हुआ है, हट टाइप में, और इसके हर कॉर्नर पे हम लोगों ने गमले लगा रखे हैं, मतलब गमलों को जड़वा रखा है, तो पौधों की पर्याप्त संख्या भी है घर पे। और कुछ ये नज़ारा होता है हमारे घर के गमलों का। अभी काफ़ी धूप है, इस वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। हम लोग अभी हैं गांव में और ये यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में चिड़ियों के खाने पीने का इंतज़ाम है, इधर खाना और इधर से पानी, और ये इसी में गमला जुड़ा हुआ है, तो ये पिलर पे बना हुआ है और इधर गमले रखे हुए हैं, बगल में चूल्हा जल रहा है और इसी में खाना बन रहा है, और इधर लगा हुआ है घर वालों का जमावड़ा गर्मी में। ये हमारे बच्चे, इनको जानते होंगे, इससे मिल चुके हैं। इस लड़की का नाम है ओबिया और पीछे खुशी, और ये है पूरा परिवार, इनको भी आप जानते होंगे, मिसेज प्रताप, ये हमारी मामी, ये मौसी, और ये काकू, और ये रोशनी, और ये है मम्मी, और ये हमारी छत, और यहाँ पे पावड़ी हो रही है, और इधर है गांव, ये है गांव का इलाका, छोटे छोटे घर, ढेर सारे पेड़ पौधे, और इधर भी पेड़ पौधे, इधर भी घर बने हुए हैं। पेड़ पौधे गांव में कॉमन है, हर घर के पास में आपको एक पेड़ ज़रूर मिल जाएगा, नीम का। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश पूरे घर में की गई है, हर पिलर पे आपको एक पेड़ देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा पौधा देखने को मिल जाएगा। जितने भी पिलर्स हैं इनमें हमने गमलों को जड़वा ही रखा है, और ये परमानेंट जुगाड़ है पेड़ पौधों का। तो ये यहाँ से देख सकते हैं पौधे, कि हमारे घर के पीछे भी नीम का पेड़ है, इधर भी एक नीम का पेड़ है। पेड़ यहाँ पे होते हैं बहुत ढेर सारे, और ये जो आप खाली ज़मीन देख रहे हैं इसमें 4 आम के पेड़ हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं ऑलरेडी। ये देखिए, ये 4 आम के पेड़ हैं जो बड़े साइज़ में तैयार हैं। इधर बगल में आपका एक आंवले का पेड़ तैयार हो गया है, और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी मैंने ये जो नए पौधे दिख रहे हैं आम के, ये 4 पौधे मैंने इस साइड लगाए हैं जहाँ पे पेड़ नहीं था एक भी, तो यहाँ पे 4 आम के पेड़ लगाए, तो ये हम लोगों के ही लगाए हुए हैं, खुद के लगाए हुए, और अच्छा लगता है गांव में इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा स्पेस है और आपको मौका मिल जाता है पेड़ पौधों को तैयार करने का, इस वजह से गांव अच्छे माने जाते हैं, चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। और ये जो अभी हमने आपको दिखाया है, ये गमले के साथ बर्ड्स के खाने और पीने का इंतज़ाम ये मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाया था, इस गमले को भी, और ये जो पानी भरा हुआ है और इसमें चावल पड़े हुए हैं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। अभी तो कोई बर्ड दिख नहीं रही है, और लेकिन आती हैं, इसमें बहुत सारी चिड़िया आती हैं, अच्छा लगता है। ये हमारे गांव के बच्चे जो छतों पे खेलने में जुटे हैं, एक अलग ही अंदाज में यहाँ के बच्चे रहते हैं और खेलते हैं, इनको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने में ही मगन रहते हैं। और ये देखिए, भले ही इनके पास संसाधन कम है लेकिन
खुश ये उतना ही है जितना अमीर घरों के बच्चे खुश रहते हैं। ये इधर खाली स्पेस पड़े हुए हैं, बारिश की वजह से कुछ घर भी शायद टूट चुके हैं, गिर भी गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पेड़ पौधे ठीक ठाक आपको देखने को मिलेंगे गांव में। ये छप्पर वाला घर है बगल में, और ये जो आप येलो कलर का पॉलीथीन देख रहे हैं एक प्लॉट जैसा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे घर की 3 गाय और उनके 2 छोटे बच्चे रहते हैं। लोगों ने उनको इधर उधर भगा दिया था, तो मेरी मम्मी थोड़ा सा दयालु हृदय की हैं, तो उन्होंने 3 गायों को यहाँ पे रख लिया है और वो राजी खुशी से सभी गायें यहाँ पे रहती हैं। उनके लिए अलग से जगह खरीद के उनका इंतज़ाम भी बना दिया गया है रहने का, कि धूप ना लगे, इस वजह से यहाँ पे टीन शेड वगैरह लगाया गया है। और क्या दिखा सकता हूँ, अभी डेवलप कर रहे हैं गांव भी, तो यहाँ पे अभी उतने घर तो नहीं हैं छप्पर वाले, धीरे धीरे करके कॉलोनी के टाइप में बनते जा रहे हैं यहाँ भी। और कुछ घर अभी भी हैं जो छप्पर वाले हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से करके छत बनाई जाती है और उसी के ऊपर ऐसे छप्पर रख दिए जाते हैं। ये कुछ घर हैं टूटे हुए, और इधर कुछ घर देख सकते हैं तीनों तरफ से छप्पर रखा हुआ है, बाकी तो ऑलमोस्ट गांव के जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट पक्के बन चुके हैं, कुछ ही घर बचे। ये देखिए कुछ घर हैं छप्पर रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अचार बनाने के लिए कच्चे आम काट के फैलाए गए हैं, तो ये कुछ टाइम बाद इनका अचार बनाया जाएगा। गांव में ये सारे काम अभी भी होते हैं। और डिश टीवी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल ही जाएगी, क्योंकि डेवलप हो चुके हैं गांव, और मेरे घर के चारों तरफ आपको पेड़ पौधे ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। ये एक जामुन का पेड़ जस्ट पीछे ही है, और ये नीम का पेड़ है, ये भी एक नीम का ही पेड़ है, बगल में ही है। सामने मैंने दिखाई है सामने आपके, ये 2 नीम के पेड़ बगल बगल में ही है घर के पास। ये एक छोटा सा सोलर पैनल घर के बाहर लगा हुआ है रोशनी के लिए, क्योंकि गांव में अभी भी लाइट की समस्या रहती है। अभी जब मैं आया हूं तो काफ़ी गर्मी है, क्योंकि लाइट यहां पर है नहीं, तो ऐसे ही छत पे ही गुजारना पड़ रहा है टाइम। हम लोगों को अब थोड़ा सा आदतें पड़ गई हैं शहर वाली, तो थोड़ी सी समस्याएं तो हो रही हैं, बट ठीक है, इतना बियरेबल है क्योंकि पेड़ों की वजह से थोड़ी बहुत हवा मिल रही है। आई होप आपको घर अच्छा लगा होगा, और जो प्लांटेशन की टिप्स हम लोगों ने अपनाई हुई हैं कि गमलों को हर पिलर पे दिया हुआ है, जड़ दिया है, उसी समय बनने के टाइम ही वहाँ पे पेड़ आपके परमानेंट बने रहेंगे, और ये जो कुछ खाली डब्बे भी रहते हैं उनमें भी प्लांट्स को लगाया गया है, कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की। और मैं छत से दिखाऊंगा, तो ये हमारे घर का ओपन एरिया है जो स्पेशली चूल्हों के लिए ही बनाया गया है। जब भी हम लोग आते हैं तो मैक्सिमम मौसम अगर अच्छा रहता है, कोशिश यही रहती है कि चूल्हे में बना हुआ खाना खाएं, उतना अच्छा नहीं है बट कभी कभी चलता है, जब हम लोग आते हैं तभी ये सब हो पाता है, बाकी तो नॉर्मली गैस में ही बनता है, और बहुत ज़्यादा चूल्हों में बनाना भी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं जब भी आते हैं, कि कभी 3-4 महीनों में एक आध बार मौका मिलता है
चूल्हे का खाना खाने का, तो फिर वो मौका हम लोग छोड़ते नहीं हैं। बच्चे यहाँ पर खेलने में जुटे हुए हैं। मिट्टी के ये घर हैं जो बारिश की वजह से टूट गए हैं। अभी बेहतरीन बारिश हुई थी कुछ टाइम पहले, उसकी वजह से ये गिर ही गए हैं और उसी के बाहर ये बच्चे बैडमिंटन खेलने में जुटे हुए हैं। एक ये छोटी सी कुटिया टाइप में बनाई गई है जानवरों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में देखने लायक, और कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ। इस कमरे में अगर आपकी नज़र अंदर तक थोड़ा सा पड़ेगी, थोड़ा दूर है, यहाँ पर ये आपको अंदर कुछ दिख रहा होगा पॉलीथीन के आगे, तो ये कुछ और नहीं है, ये गेहूं का भूसा है जो जानवरों के लिए लोग कमरों में स्टोर करके रखते हैं। और ये शायद छतें टपक रही होंगी, तो उससे बचाने के लिए गांव के लोगों ने जुगाड़ करके पॉलीथीन लगा रखी है। बस बाकी आई होप आपको गांव अच्छे लगे होंगे, सभी को अच्छे लगते हैं, गांव का माहौल अच्छा लगता है। अभी हमारी गायें गई हैं घास चरने के लिए, नेचुरल अपनी जो खेतों में उगती है वो शायद लौटेंगी, थोड़ा शाम हो जाएगी तो फिर मैं आपको अपनी गायों से मिलवाऊंगा। यह है हमारे घर का तुलसी का पेड़ बड़े से गमले में, पूजा पाठ वाठ किया हुआ, बढ़िया लंबा चौड़ा। इसमें बहुत सारे तुलसी के पेड़ उगे भी हुए हैं। सिर्फ जुएं ढूंढ रही हैं। यह है गांव की बकरियां बंधी हुई हैं, इनके रहने की जगह। और ये गाय भैंस लोग आ गए हैं टेंपल पे। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत बड़ा बोट भी है और तालाब भी है, और वो वहां से सनसेट दिख रहा है। ये देखो ये हैं बच्चे। दो बच्चे, ये तो उसकी माँ थी और वो उधर हैं। वो देखो दो बच्चे, वो देखो, ये देखिए सब अपनी मम्मी के पीछे भाग रहे हैं। तीन हैं और ये इधर तालाब है, हम लोग आपको चल के दिखाते हैं। ये यहाँ पे इतना बड़ा ताल है। अब आ जाए दुकान पास है, क्या लगता है ये ताल उन्हीं का है क्या? पूरा ये छोटी छोटी मछली उछल रही है क्या? बकरी का शिकार कर रहे हैं। इतना छोटा सा बच्चा है और ये जुटा है बकरी को खींचने में। खुशी और आज हम लोग आ गए हैं अपने पुराने घर, तो चलिए देखते हैं ये गांव कैसा है। शोरा तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ कुछ कंडे हैं और वहाँ कुछ बकरियाँ, हैंडपम्प, और यहाँ पे एक नीम का बड़ा सा पेड़ है, वो वहाँ पे भी घर है, और ये पूरा यहाँ पे एक नीम का बड़ा सा पेड़ है। ये यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इन दोनों को आप जानती हो। एंड दिस इज यशी, एंड वो रहा हमारा घर, और वो वहाँ पे एक तालाब है, ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे छप्पर के कुछ मडवर्ड से हट बने हुए हैं, और ये यहाँ पे नीचे घर की सभी गाय आ चुकी हैं चरवर के। ये हैं रुकमणी सबसे पहली, और ये हैं मोलू, और ये हैं राधा, और ये गौरी, और इधर है ढोलू। इतने लोगों को परिवार है इन लोगों का।
ढोलू मोलू राधा गौरी रुकमणी, और यहीं आराम से ये सब चारा खाने में जुटे हैं। हरी हरी घास खा के आए, अब पैरा खाने में जुटे हैं। पहली जामुन है और ये हम लोग हैं और यहाँ पावड़ी हो रही है। आज की बनी चटनी और चूल्हे की रोटी। लाइट जला दी, ऊपर जलाओ।